हेलो गाइस, वेलकम टू द कार शो। आज आपके सामने है ऑल न्यू 2023 मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स 2023 का प्राइस 7.46 लाख रुपीस से स्टार्ट होता है और जाता है 13.13 लाख रुपीस तक। इस कार के अंदर आपको यहां पे दो इंजन ऑप्शंस और पांच वेरिएंट्स ऑफर किए जाते हैं। वेरिएंट्स की अगर पहले बात की जाए तो यहाँ पर आपको इसमें सिग्मा, डेल्टा, डेल्टा प्लस, जेटा और एल्फा वेरिएंट्स मिल जाते हैं। और इंजन ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें एक 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है और दूसरा आपको यहाँ पर इसमें 1.0 लीटर का बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। इस पर्टिकुलर कार की बात करें तो यह है इसका डेल्टा प्लस वेरिएंट, जो कि आपको यहाँ पर इसमें दोनों इंजन ऑप्शंस के साथ ऑफर किया जाता है। लेकिन ये वाली है यहाँ पर 1.2 लीटर NA वाली मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। इसके अगर यहाँ पर सबसे पहले इंजन की बात की जाए तो नहीं, यहाँ पर जो आपको इसके अंदर 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है वो ना इसके अंदर यहाँ पर इसमें प्रोड्यूस करता है अराउंड 89 PS की पावर और 113 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। ये वही सेम इंजन है जो कि आपको मारुति सुजुकी बलेनो में मिल जाता है। बाकी प्रॉपर इंसुलेशन वगैरह आपको यहाँ पर इसमें मिलती है। 4 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन रहने वाला है ये। रियल लाइफ माइलेज की बात करें तो 18-19 के आप यहाँ पर इस इंजन से निकाल सकते हैं। बाकी क्लेम यहाँ पर 22.39 के आसपास मारुति कर रही है। बाकी बंद करते हैं इसको एंड बात करते हैं सबसे पहले इसके फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसमें कुछ इस तरह की ग्रिल देखने को मिल जाती है। सेंटर में आपको यहाँ पर इसमें सुजुकी का लोगो देखने को मिलेगा। क्रोम इंसर्ट्स मिल जाते हैं। मैट ब्लैक फिनिश के अंदर आपको यहाँ पर इसके अंदर ग्रिल मिलेगी। टॉप एंड वेरियंट्स के अंदर ना आपको एक ग्लॉसी ब्लैक में मिल जाती है। मेनली टर्बो वेरियंट्स के अंदर आपको वो चीज़ मिलेगी। यहाँ पर इसके LED DRLs प्लस साइड टर्न इंडिकेटर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। नीचे आपको यहाँ पर LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। नीचे वाले दो हैं लो बीम के लिए, ऊपर वाला एक है यहाँ पर हाई बीम के लिए। यहाँ पर आपको नीचे सिल्वर कलर की पूरी स्किड प्लेट मिल जाती है। बाकी प्राइसिंग की अगर बात करें ना तो इस पर्टिकुलर कार डेल्टा प्लस मैनुअल 1.2 लीटर का एक्स शोरूम प्राइस है 8.72 लाख रुपीस। और अब बात कर लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल के बारे में। तो ना यहाँ पर आपको साइड में इस पर देखने को मिल जाते हैं ब्लैक कलर के अंदर पूरे अलॉय व्हील्स जो कि आप देख सकते हैं 16 इंचेस की रहने वाले हैं। टायर प्रोफाइल आपको मिलती है 185/60R16। फ्रंट टू डिस्क ब्रेक्स आपको मिलेंगी। पीछे की साइड पर आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं। बाकी साइड पर ना यहाँ पे एसेसरीज में ये वाला पार्ट लगाया गया है। ओवर व्यू हम आप यहाँ पर इसके देख सकते हैं, कुछ इस तरह के आपके यहाँ पर इसमें मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट एंड फोल्ड दोनों ही आप इन्हें कर पाएंगे। रेन वाइजर्स इसमें एसेसरीज में लगे हैं। डोर हैंडल्स बॉडी कलर्ड रहने वाले हैं। यहाँ पर आपको रूफ रेल्स मिल जाती है ब्लैक कलर में। शार्क फिन एंटीना आ रहा है इस कार के अंदर। और क्लियरेंस की अगर बात करें तो आपको मिल जाती है 190 mm की। एंड ओवरऑल साइड प्रोफाइल का लुक कुछ ऐसा आपको यहाँ पर कार का कंप्लीट देखने को मिल जाता है। सब 4 मीटर कैटेगरी में ये आ जाती है कार। बाकी यहाँ पर आपको पीछे कुछ इस तरह की टेल लैंप्स देखने को मिलती हैं जो कि ना काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही हैं। फ्रॉन्क्स की बैजिंग आप देख सकते हैं। रियर डिफॉगर आ रहा है इसमें, वाइपर वॉशर नहीं आ रहा है। ब्रेक लाइट आपको यहाँ मिल जाती है। सुजुकी का लोगो है। बाकी ये वाला पार्ट इसमें ना ग्लो नहीं कर रहा है। आपको यहाँ पर इसमें LED में नंबर प्लेट लाइट्स मिल जाएंगी। कैमरा नहीं आएगा बट 4 पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ नीचे इसमें मिल जाते हैं। बाकी ओवरऑल बैक प्रोफाइल का लुक कुछ ऐसा आपको यहाँ पर कार का कंप्लीट देखने को मिल जाता है। एंड ओवरऑल ना डिज़ाइन वाइज काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त मेरे को ये कार पर्सनली लगती है। एंड यहाँ पर आपको इसमें मिल जाएगी नेक्सा की बैजिंग। और ना अब चलते हैं कार के अंदर एंड चेक कर लेते हैं कि कैसे कुछ इंटीरियर्स आपको यहाँ पर इस कार में मिल जाते हैं। तो ये सबसे पहले तो इसका डोर पैड जो कि ना आपको यहाँ पर इसमें कुछ इस तरह का ड्यूल टोन के अंदर पूरा का पूरा ऑफर किया जाता है। यहाँ पर इसमें ऑल 4 पावर विंडो के कंट्रोल्स, ओवर वी एम के कंट्रोल्स। ओवर वी एम्स आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट एंड फोल्ड दोनों ही कर पाएंगे। यहाँ पे इसमें फैब्रिक फिनिशिंग, डोर हैंडल ब्लैक कलर में है। ट्विटर आपको नहीं मिलेगा, स्पीकर मिलेगा, बॉटल होल्डर आपको साथ दिया गया। सीट्स को आप यहाँ पे हाइट में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। बाकी मैनुअल एडजस्टमेंट वगैरह आपके बाकी चीज़ों की यहाँ पर इसमें मिल जाती है। बाकी तो गाइस अब मैं आ गया हूँ कार के अंदर एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है जरूर से वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ ना चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और ना गाइस कार के इंटीरियर्स के बारे में आगे बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी कार के लिए एक बहुत ही बढ़िया कार परफ्यूम के बारे में जो कि है इन्वॉल्व का एक्वायर स्प्रे। इसकी अगर फ्रेग्रेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको इस परफ्यूम से बहुत ही कूल एंड रिफ्रेशिंग से ओवरऑल फ्रेग्रेंस मिल जाती है। मतलब यार जिस हिसाब का भी मौसम चल रहा है ना गर्मी, उस हिसाब से इसका आपकी कार के अंदर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मतलब एक प्रॉपर रिफ्रेशमेंट ही आपको यहां पर मिल जाएगी। आपको सिंपली इस परफ्यूम को कुछ इस तरह से इसके साथ दिए गए हैंगिंग पैक के ऊपर दो बार स्प्रे कर देना है एंड उसके बाद में इसकी फ्रेग्रेंस ऑटोमेटिकली पूरी कार के अंदर फैल जाती है। बहुत इजीली ये परफ्यूम 2-3 मंथ्स तक लास्ट भी कर जाता है। और आजकल ना अमेजोन के ऊपर स्पेशल इसके ऊपर सेल भी लगी हुई है, तो जरूर से जाकर इसे बाय कर ले। लिंक आपको अमेजोन का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और अब मैं आपको यहाँ पर इस कार की कीज़ दिखा देता हूँ। तो नहीं, यहाँ पर आपको स्क्रीन के अंदर डेल्टा प्लस के अंदर कुछ इस तरह की कीज़ मिलेगी लॉक अनलॉक ऑप्शन के साथ। यहाँ पर आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है वाइट इल्यूमिनेशन के साथ। सेंटर में एमआईडी स्क्रीन, राइट में स्पीडोमीटर, लेफ्ट में आरपीएम मीटर, स्टीयरिंग व्हील कुछ इस तरह का है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आपके यहाँ पर मिल रहा है। मीडिया टेलीफोनिक कंट्रोल्स आ रहे हैं इस वेरिएंट के अंदर। क्रूज कंट्रोल इसमें नहीं आ रहा है। ऑटो हेडलैम्प्स आपके यहाँ मिल जाएंगे। वॉइस कमांड्स इसमें आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर है वाइपर के लिए टॉगल, यहाँ पर एक एसी वेंट, फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच मिल जाएगा। यहाँ पे ऑटो इंजन ऑन ऑफ और हेडलाइट लेवलर आपको दिया गया। बाकी ओवरऑल डैशबोर्ड लेआउट कुछ इस तरह का आपको यहाँ कंप्लीट मिल जाता है। सेंटर में आपको यहाँ पर इसमें 7 इंच की स्क्रीन ऑफर की जा रही है, जिसके अंदर की एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको मिल जाता है। और आपको यहाँ AM/FM ब्लूटूथ USB जैसे काफी सारे फीचर्स मिल जाएंगे। कार के रिलेटेड भी आप यहाँ पर इसमें इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं एंड वार्निंग्स अलर्ट्स वगैरह भी आप यहीं पर इसमें चेक कर सकते हैं। और जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वो आपको यहाँ पे वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ इसमें मिल जाता है। 2 AC vents है, हजार्ड लाइट का स्विच है, कार्बन फाइबर फिनिशिंग है, सिल्वर इंसर्ट्स है। यहाँ पे ना आपको पूरे हार्ड प्लास्टिक्स मिलते हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर है फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, बेस वेरिएंट से वैसे चीज आ रही है। USB का पोर्ट, 12 वॉट्स का पावर सॉकेट, स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाती है काफी अच्छी। ऐसा कुछ आपको यहाँ गियर लीवर मिलेगा। रिवर्स गियर लगाने पर आपको यहाँ कैमरा का डिस्प्ले नहीं मिलेगा इस डेल्टा वेरिएंट के अंदर। पार्किंग सेंसर्स का जरूर से मिल जाएगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट डिस्प्ले। बाकी एसेसरीज में आप यहाँ पर इस कार में कैमरा भी लगवा सकते हैं। हैंड ब्रेक है, कार्बन फाइबर फिनिशिंग आपको यहाँ पर भी इसमें पूरी मिल जाती है, आप देख सकते हैं कुछ ऐसी आपको दी जा रही है। एंड फिर है यहाँ पर स्टोरेज स्पेस। सीट्स की अगर बात करते हैं तो कुछ इस तरह की आपके यहाँ सीट्स मिलेंगी, ब्लैक एंड पर्पलिश ब्राउन कलर के अंदर ना आपके यहाँ पर इसमें फैब्रिक सीट्स ऑफर की जा रही है इस वेरिएंट के अंदर। ये आप देख सकते हैं इसकी कंप्लीट सीट्स, काफ़ी ज़्यादा अच्छी कुशनिंग वगैरह आपके यहाँ पर इन सीट्स में मिल जाती है। यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट टच दिया जा रहा है, मतलब फैब्रिक फिनिशिंग आपको प्रॉपर मिल जाती है। ऊपर आपके यहाँ सनशेड के अंदर वैनिटी मिरर मिलता है, 2 आपके यहाँ रूफ लाइट्स मिलती हैं, मैनुअल डे एंड नाइट आयर भी हमारा इस कार में। यहाँ पर आपके इसमें कुछ भी ऑफर नहीं किया जाता है। बाकी सेफ्टी के अंदर आपके यहाँ पे फ्रंट टू एयरबैग्स मिल जाएंगे, ABS, DVD, ब्रेक असिस्ट, आइसोफिक्स सीट माउंट, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे और भी फीचर्स आपके यहाँ दिए गए। टॉप एंड्स अगर आप लेंगे तो उसके अंदर आपको पिलर्स पर और सीट्स की साइड पर भी एयरबैग्स मिल जाते हैं, यानी कि टोटल आपको 6 एयरबैग्स दिए जाते हैं टॉप एंड वेरिएंट के अंदर। और अब चलते हैं बैक सीट में। बाकी ये जो आप यहाँ पे मैट्स वगैरह देख रहे हैं ना, ये आप एसेसरीज में इस कार में लगवा सकते हैं, नेक्सा के जेन्युइन मैट्स हैं। बाकी ये कार ना अभी सेल हो चुकी है, इसका नंबर भी आ चुका है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। नंबर इसका 7711। कार सेल हो गया बट वही थोड़ा वही उनका पेपर वर्क पेंडिंग है, वो चल रहा है। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे डोर पैड इसका मिल जाएगा, फैब्रिक फिनिशिंग आपको मिलेगी, पावर विंडो का स्विच, स्पीकर और यहाँ पे ब्लैक कलर का डोर हैंडल आपको मिल जाता है। डोर ओपनिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अंदर आपको इसमें 3 हेडरेस्ट देखने को मिलेगा, आमरेस आपको यहाँ किसी भी वेरिएंट के अंदर नहीं मिलेगा। सीट्स कुछ ऐसी रहने वाली हैं, आइसोफिक्स सीट माउंट्स आपके यहाँ पर इनमें मिल जाते हैं। रियर एसी वेंट्स इसमें मिसिंग है, यहाँ पर 12 वॉट्स का पावर सॉकेट जरूर से आ रहा है। बाकी ओवरऑल डैशबोर्ड लेआउट कुछ ऐसा कंप्लीट आपको मिल जाता है एंड ये आप देख सकते हैं कंप्लीट इंटीरियर्स इसके। और ना अगर आप स्पेस वगैरह की बात करें तो स्पेस वगैरह इसमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि ब्रेजा से ज़्यादा अच्छा स्पेस आपके यहाँ मिल रहा है, काफ़ी अच्छा नी रूम और लेग रूम है। हेड रूम की अगर बात करें तो हेड रूम इसमें डिसेंट ही ऑफर किया जाता है। यहाँ पर एक रूफ लाइट झुकी है हेलोजन के अंदर, जो आपको आगे मिल जाती है। बाकी मैप पॉकेट्स वगैरह इस वेरिएंट के अंदर यहाँ पर नहीं आ रही है। सेंटर में थोड़ा सा यहाँ पर कोई खास दिक्कत इसकी वजह से आपको नहीं आने वाली है। और अब ना चेक कर लेते हैं इस कार का बूट एरिया। तो इसके टेल गेट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर इसमें मिल जाएगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेल गेट ओपनर बटन, जिसको कि प्रेस करके आप इसका टेल गेट ओपन कर सकते हैं। एंड ये आप देख सकते हैं ये बटन है। यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे मिलेगी, स्टोरेज स्पेस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। रियर सीट 60-40 स्प्लिट फंक्शन के साथ आ रही है। यहाँ पर है टूल किट और इसके नीचे यहाँ पर स्पेयर व्हील। बाकी बूट लाइट वगैरह इस वेरियंट के अंदर आपको नहीं मिलने वाली है। और ना बंद कर देते हैं इसके टेल गेट को एंड ना बात कर लेते हैं इस कार के ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो गाइस इस पर्टिकुलर कार मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 8.72 लाख रुपीस एंड ये कार आपको ऑन रोड चंडीगढ़ के अंदर पड़ने वाली है अराउंड 9.70 लाख रुपीस की। तो गाइस आपको ये कार कैसी लगी मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और साथ ही आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा इन्वॉल्व के एक्वा एयर परफ्यूम का, जिसे कि जाकर आप जरूर से बाय कर लें ताकि आप भी मेरी तरफ अपनी कार के अंदर एक बहुत ही बढ़िया सी फ्रेग्रेंस का मजा ले सके। बाकी इस कार के सभी वेरिएंट्स का प्रॉपर डिटेल्ड वॉक अराउंड वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप नेक्सा की कोई सी भी कार बाय करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं ट्राई सिटी ऑटोज, जो कि है जीरकपुर में। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके यहाँ पर इस शोरूम की भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी तो यही थी गाइस कंप्लीट वीडियो। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।